नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से। फिर आई एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने। गर्भवती महिला ने रास्ते में ही दिया बच्चे को जन्म। आपने सही सुना, चमोली जिले का एक ऐसा सुदूरवर्ती गाँव माना जाता है जिसका नाम पाड़ा ईरानी गाँव है। गाँव तक जाने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बता दें कि गांव में सड़क के अभाव के कारण एक शर्मसार करने वाली तस्वीर फिर देखने को मिल गई। भरत सिंह की पत्नी नंदा देवी, उम्र 23 वर्ष, जो कि गर्भवती थी, जिनकी अचानक आज सुबह तबीयत खराब होने से उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क के अभाव के कारण नंदा देवी ने गांव से 2 किलोमीटर के आसपास नवजात शिशु को जन्म दे दिया। वहीं दंडी कंडी के सहारे आधे रास्ते तक नंदा देवी को पहुंचाया गया, तभी अचानक तबीयत और बिगड़ने पर 2 किलोमीटर के आसपास रास्ते में ही पीड़ित महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। वहीं बीच रास्ते से ही महिला को उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया। आज भी चमोली जिले के दर्जनों गांव सड़क जैसी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। जो मामला आज सामने निकल कर आया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हर बार ऐसी ही समस्याओं से जूझते जूझते लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित महिला नंदा देवी को दंडी कंडी के सहारे ले जाया जा रहा है। ये एक शर्मसार करने वाली तस्वीर है। सड़क जैसी सुविधा न होने के कारण पीड़ित महिला ने रास्ते में ही नवजात शिशु को जन्म दिया, जिससे पाड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार शासन और प्रशासन को अपने गांव के सड़क के बारे में सूचना दे दी, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। खास रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह के साथ। फिर आई एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे सुदूरवर्ती गांव की, जिस गांव का नाम पाड़ा ईराना गांव है। जिस पाड़ा ईराना गांव तक जाने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको बता दें कि पाड़ा ईराना गांव के एक 26 वर्षीय महिला ने आज सुबह बीच रास्ते में ही नवजात शिशु को जन्म दे दिया है। ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उन ग्रामीणों में इस वक्त काफी रोष दिखाई दे रहा है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी पाड़ा ईराना गांव के लोग मिलों मिलों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली।